आरटी ऑफिस नवनिर्मित आरओबी के नाम को लेकर जेडीए के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र राठौर द्वारा जताई गई आपत्ति के बाद पूर्व अध्यक्ष और राज्य पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र सिंह सोलंकी ने खंडन करते हुए कहा कि आरओबी के नाम बदलने की बात कहां से आई। भैरव सिंह शेखावत प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ ही देश के उपराष्ट्रपति भी रहे, ये तो राजस्थान के लिए गौरव की बात है। जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार, कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश जोशी और सलीम खान ने इसका खंडन करते हुए कहा कि ये आरोप निराधार है। जेडीए के कार्यकाल में जब मिनट्स में ये लिखा हुआ है कि इसका नाम खाली अखबारों में कोई आरटीओ नाम से कोई आ गया कि भाई ये उनका ये प्रोग्राम साहब का रहेगा, जबकि शिला पट्टी जो वहाँ पे लगेगी उसके अंदर उसका नाम यही रहेगा, और भी अगर उसके अंदर कोई और भी लगाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और नामकरण का तो जैसे अभी सलीम भाई ने जैसे कहा, हमारा कभी उद्देश्य काम को रोकना, बस स्टैंड जो बना है, बस स्टैंड अशोक गहलोत साहब के पिछले कार्यकाल में चालू हुआ था, इस काम को रोका गया, 5 साल तक ये नहीं हुआ, वापस अशोक गहलोत साहब की सरकार बनी, जब इसको वापस इसकी शुरुआत हुई और ये बन के आज पब्लिक को ये मिल रहा है। तो आर टी ऑफिस का नाम जैसे अभी ये अपने भैरव सिंह जी शेखावत साहब के नाम से है, तो इस आरओबी की शुरुआत महेंद्र सिंह जी ने अपने कार्यकाल के समय इसकी शुरुआत की, पर हमने इसको काम को रोका नहीं, और इसमें आर्मी वालों ने रुकवा दिया इस काम को, पर हमने कहा आर्मी वालों की कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए, काम जनता का है, जनता के लिए है। और मैंने कहा साहब अपनी कोई इरादा नहीं है कि इस काम को अपने को रोकना,